हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आईटीज डेली ब्लॉग पे आपका स्वागत है। अभी तो मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा ली, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। फिर बिकॉज आज थर्सडे है एंड मम्मी भी पूजा, जल्दी 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 हम लोग सब जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, तो मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहा ली। फिर अभी थोड़ा ठंड लग रहा है तो रूम में बैठी हुई हूँ, बैठ बैठ के टीवी देख रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद छत पे जाएंगे आज, बिकॉज अभी धूप अच्छा लगता है ना छत पे जाने से। गर्मियों में तो ऐसा लगता है नहीं नहीं धूप धूप में नहीं जाना है, टैनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन पता नहीं सर्दी आने से लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए, थोड़ा धूप में बैठना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट करें, मम्मी का पूजा खत्म होगा उसके बाद हम छत पे जाएंगे, फिर आके लंच करूंगी मैं। हेलो सरला बहन जी, मैं राखी बोल, ना मत करिएगा। हाँ जी, वो हमारे टेस्ट आ गए ना? हैं? कल एक टेस्ट था, आज भी है। स्कूल खुलने का कुछ नाम नहीं है ना हर्षिता? अभी तक तो नहीं है। वो जी कह रहे थे कि जनवरी जनवरी फरवरी तक उसकी वैक्सीन निकल जाए। अच्छा, टीवी में आया। अच्छा, अभी तो जस्ट लंच करने के बाद छत से आ गई वापस। जैसे छत से आ रही हूँ, संग संग मैं देख रही हूँ डोल बेल बज रहा था, तो मैं फिर देखी कि पता नहीं अब क्या आया है। तो मैंने 2 दिन पहले फ्लिपकार्ट से एक शरारा मंगवाया था, फुल ड्रेस शरारा कुर्ती सेट, तो वो अब भी आया है, तो मैं वो आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी उसका। मैं आपको कलर भी दिखाती हूँ। मतलब अभी तो वेडिंग सीजन स्टार्ट भी हो गया है एंड ये कोई मेहंदी वगैरह में, मेहंदी हो गया, संगीत हो गया, एज अ गेस्ट आप इसको कैरी कर सकते हैं एक बड़ा सा झुमका के साथ। बहुत ही प्रिटी ग्रीन कलर है ये। शरारा का मेन होता है इसका मतलब वाइडनेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, लहंगा टाइप का लगेगा। और यहाँ पे इलास्टिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, सेम शरारा के नीचे जैसे ऐसे है बीक किया हुआ है अलग सा, इसमें भी है एंड इसकी ये 3/4 हैंड है, हैंड में भी ऐसे किया हुआ है। मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है एंड मेन थिंग है ये कोई चुभेगा नहीं, ये अच्छे से स्टिच किया हुआ है आप देख सकते हो। ये काफी लॉन्ग कुर्ती है,
आप मेरे को बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, मेरे को तो बहुत पसंद आया है। एंड इसका प्राइस भी इतना कुछ है नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इवनिंग में जल्दी जल्दी मैं पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। मैंने मैगी फ्यूजन का दो फ्लेवर्स मंगवाया था, बैंकॉक स्वीट चिली एंड हांगकॉन्ग स्पाइसी गार्लिक नूडल्स। अभी पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, तो लेट टेस्ट इट, पता नहीं अभी कैसा लगेगा। ये बैंकॉक स्वीट चिली का मसाला है एंड ये शायद वो हांगकॉन्ग स्पाइसी गार्लिक का है। बहुत रेडिश रेडिश कलर आ रहा है, ये एक लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है, पता नहीं खा के ही पता चलेगा कैसा लगेगा। मेरे को तो अच्छा लगा, फ्लेवर्स ठीक ठाक था। आज मैं चिकन सलामी ऑमलेट बनाऊंगी, उसके लिए मैंने सलामी को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये चिकन सलामीज है, चॉप टमेटोज, चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीव्स। सलामी को थोड़ा हल्का टॉस कर लूंगी। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते। घी काफी गर्म हो गया आप देख सकते हो, उसमें मैं एक गार्लिक का क्लोव ऐड कर दूंगी। ओरिगानो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी मैं ये चिकन सलामी को ऐड कर दूंगी। अभी ये एकदम स्लो कुक होगा। जैसे ऑमलेट बनाते वैसे बनाने के बाद ऊपर से ऐसे सलामीज को टॉपिंग कर दीजिए, बहुत यम्मी लगेगा, एक बार ट्राई करके देखना। ये पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर किया था विद चीज, ये विदाउट चीज है, दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। चीज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है, लेकिन हाँ विदाउट चीज भी बहुत अच्छा लगता है।